السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم مع من يخالل حاضرين مجلس ديني من اللي نوجوان ساتھیو اور دوستو हर किस्म की बड़ाई और बुजुर्गी अल्लाह तबारक लिए लायक और जेबा है जिसने हम तमाम इंसानों को इस कायनत के अंदर अशरफुल अशरफुलमखलूक़ बनाकर मौस फरमाया करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताली ने इंसानियत के वजूद का मक़सद बयान करते हुए इरशाद फरमाया व खल वन सदोन कि हमने इंसानों और जिन्नातों को महज़ इसलिए पैदा किया कि वो सिर्फ़ मेरी इबादत करें अल्लाह तबारक दुनिया के अंदर इंसानियत के वजूद का मकसद वाज फरमाया और वो ये है कि इंसान अल्लाह रब्लम की इबादत करे और इसी तरीक़े से एक दूसरी जगह अल्लाह तबारक व ने यह भी इर्शाद फरमाया कि ख़ल़ल मऊ तल हयात लियबलकुम अय्यकुम महसन वमला कि वही वो, वो ज़ात है जिसने मौत और ज़िंदगी को महज़ इसलिए पैदा किया ताकि वो तुम्हें जाँचे ताकि वो तुम्हारा इम्तहान ले कि आया तुम में से कौन बेहतर अमल करता है तो इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक ताल ने और भी मकाम पर इंसानियत के वजूद के तल्ल से एहसास दिलाया कि आया दुनिया के अंदर इंसानियत के आने का मकसद क्या है और यही वजह है कि अल्लाह तबारक वाली की हमत बालगाह को देखिए कि जब इंसान को अल्लाह तबारक वाली ने पैदा किया तो उसके अंदर जो बालिग हमत नज़र आई वो इस तरीक़े से कि एक इंसान दुनिया के अंदर पैदा होने के बाद वो एक दूसरे की सहबत को इख्तियार करना पसंद करता है वो एक दूसरे से मेल जोल एक दूसरे के साथ उठना बैठना उसको ज़रूरी समझता है और इसके बगैर इंसान अपनी ज़िंदगी को अधूरी और नामुकम्मल समझता है इसी वजह से कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने इस जानिब रहनुमाई करते हुए ये इरशाद फरमाया कि वस्बिर नफ्स का मदीनबा बिलगदाति वाशीजू नवा यहाँ पर खिताब अल्लाह तबारक अपने आखिरी नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब किया है लेकिन इस खिताब से पूरी इंसानियत इसके अंदर आती है तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की जानिब अपनी तोज्जो को मबजूल करते हुए इरशाद फरमाया कि वस्बिर नफ्सक का मिलदीन रब कि अ नबी अलैहि वसल्लम आप अपने आप को उन लोगों के साथ रखा कीजिए जो सुबह शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया के अंदर इंसान जब वजूद में आया तो उसे हमनशीनी और मेल जोल रखना उसकी ज़िंदगी के अंदर उसकी फ़ितरत के अंदर शामिल हो गया और इसकी वजह से इंसान ये सोचता है कि मैं किसी के साथ रहूं मैं किसी के साथ उठूं बैठूं और जाहिर सी बात है ये चीज़ जब तक इंसान को हासिल नहीं होती है तब तक इंसान अपनी बात किसी दूसरे से बयान नहीं कर सकता है अपनी मुसीबत किसी के सामने रख नहीं सकता है जबकि इंसान जब ये सारी चीज़ें लोगों के सामने रखता है तो बाज़ लोग उसकी ज़िंदगी से मज़ा लेने वाले होते हैं और बाज़ लोग उसकी बातें सुन करके उसको ढारस उसको इत्मीनान और उसको तसल्ली देते हैं तो इस तरीके से इंसान बसाओकत लोगों के दरमियान में रह करके ख़ार हो जाता है लोगों की निगाहों का इस तरीके से मरकज़ बन जाता है कि वो मजहका खेज़ बन जाता है और बसा अवत लोग उसकी बातें सुन कर के इमोशनल हो जाते हैं उसकी बातों को सुन कर के बिल्कुल एहसास उनके अंदर इस पाए का हो जाता है कि उसके साथ हमदर्दी ख़ुवत और भाईचारगी जैसा मामला करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो कहने का मकसद ये है कि इन तमाम चीज़ों को बरूकार लाते हुए हमारे सामने ये बात वाजे होती है कि आखिर हम दोस्ती करें किससे, दोस्ती और सोहबत किसके साथ इख्तियार करें दोस्ती का मतलब क्या है ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है हमारे लिए भी हमारे घर वालों के लिए भी हमारे बीवी बच्चों के लिए भी और हमारे अकरबा और अज्जा व अकारिब और रिश्तेदारों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये बहुत ही ऐसा अहम मसला है कि इसकी जिसकी, जिसकी जानिब हम अपनी तोज्जो मबजूल नहीं करते हैं हम अपने आप को इस जानिब कोई तोज्जो नहीं लगाते हैं हालांकि बरदरानी इस्लाम हमें ये मालूम होना चाहिए कि अच्छी सोहबत का फ़ायदा और बुरी सोहबत का जो नुकसान है वो बहुत ही भयानक है बहुत ही बुरा है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इसी तरीके से अल्लाह तबारक तआला ने अपने कलाम मजीद के अंदर इस बात से लोगों को मतनब फरमाया है बरदरानी इस्लाम सोहबत एक दूसरे के साथ उठना बैठना सोहबत का माना क्या होता है एक दूसरे के साथ उठना बैठना एक दूसरे के साथ हमनशीनी इख्तियार करना मेल जोल रखना इसी को सोहबत कहते हैं और इसी को एक दूसरे से दोस्ती करना भी कहते हैं अब इसमें इसका मैदान जो है बहुत ही ज़्यादा वसी है लोग दोस्ती करते हैं अपने मामला को सही करने के लिए लोग दोस्ती करते हैं एक दूसरे से अपनी दुनियावी हसूलियाबी के लिए और लोग तजारत के मामले में एक दूसरे से दोस्ती इख्तियार करते हैं एक दूसरे से मुहबत इख्तियार करते हैं और इसी तरीके से मुख्तफ़ का लोगों का नज़रिया होता है जिस मैदान में जो इंसान होता है उसी मैदान के लोगों से दोस्ती करता है लेकिन हमें इस मामले में ग़ौर करना है कि हमें कहाँ पर और किस तरीक़े से और किस मकसद की खातिर हमें एक दूसरे से दोस्ती करनी है जैसा कि मैंने पहले ही आयत के अंदर बयान कर दिया है कि अल्लाह तबारक ने अपने आखिरी नबी जनाब महम्मदरसोल्ला वसम को दोस्ती किन के साथ करने का किन के साथ रहने का किन के साथ हम नशीनी इख्तियार करने का हुक्म दिया है इस तल्लु से हमें मालूम हो गया कि अल्लाह तबारक ताल ने हमारी तवज्जो उस जानब मबजूल की उस जानब हमारे तवज्जो को फेरा कि जो लोग अल्लाह रबालमीन की सुबह शाम इबादत करते हैं न लेकिन इबादत करने वाले हमारे सामने बहुत किस्म के लोग हैं कुछ लोग इबादतें रियाकारी के लिए करते हैं कुछ लोग इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए करते हैं उसको राज़ी और खुश करने के लिए करते हैं कुछ लोग इबादत सिर्फ़ और सिर्फ वर्जिश के लिए करते हैं जिस्मानी तंदरुस्ती जिस्मानी साख्त को मजबूत करने के लिए क्योंकि अकबा का जो नुक्ते नज़र है वो यही है कि नमाज पढ़ने की वजह से रुको सुजूद करने की वजह से मुराकबे में बैठने की वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा सुकून और इत्मीनान हासिल होता है हमें तबी नुत निगाह से बहुत सारे फ़वाद हासिल होते हैं तो बहुत सारे लोग इबादत सिर्फ़ और सिर्फ़ इस मकसद के तय भी करते हैं कि हमें रूहानी सुकून हासिल हो जाए तो हकीकी मानों में अगर हम नमाज पढ़ने का अहतमाम करते हैं या नमाज पढ़ने वाले लोगों के साथ सहबत इख्तियार करते हैं हम नशीनी इख्तियार करते हैं उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात क़ायम करते हैं तो हमें बहुत सारे फ़ायद हासिल होते हैं तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा फ़ायदा है इबादत इख्तियार करने वाले लोगों की सोहबत इख्तियार करने का वो ये है कि यूरीदू नवजह कि जो लोग इबादत करते हैं उनका जो मतमहे नज़र होता है जो उनका मकसद होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो जाए अल्लाह आलमीन राज़ी हो जाए तो ऐसे लोगों से हमें दोस्ती इख्तियार करनी है ऐसे लोगों के साथ हमें उठना बैठना है ऐसे लोगों की हमें हमनशीनी और ऐसे लोगों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हमें क़ायम करना है दरदानी इस्लाम दोस्ती और सहबत ये इंसान की माशरती ज़रूरत है इंसान की माशरती ज़रूरत है दोस्ती के बग़ैर इंसान की ज़िंदगी बे मज़ा और बेजौक होकर रह जाती है इंसान की ज़िंदगी बनाने में इंसान की ज़िंदगी बिगाड़ने में दोस्तों का अहम किरदार और अहम रोल होता है इसलिए अगर इंसान की सहबत के अंदर नेक और साल बाक़ बाखलाक और अच्छे किरदार के हामिल अफराद आ जाएं तो इंसान की ना सिर्फ ज़िंदगी सुधर जाएगी बल्कि माशरे में एक साल इनकलाब रूनमा हो जाएगा लेकिन इसके उल्टा अगर इंसान के दोस्त बुरे हो जाएं, बद खुल्क लोग हो जाएं, और इसी तरीके से ग़लत अफकारों नज़रियात के हामिल अफराद उसके दोस्त हो जाएं तो ना सिर्फ इंसान की ज़िंदगी बिगड़ जाएगी बल्कि हलाकत और बर्बादी उसका मुकद्दर बन जाएगी और इसी हकीकत को हमारे प्यारे आखिरी नबी जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को तमसीली अंदाज में मिसालों से वाजह करते हुए सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत के मुताबिक ये इर्शाद फरमाया

मुतफ़न अलई सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है हज़रत अबू मूसा अशार् बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सत फरमाया कि इन नमा नसलिस व जलीस वजलीस सूई बेहतरीन और बुरे साथी की मिसाल खुशबू यानी मुस्क रखने वाले और आग की भट्टी धूखने वाले की मानंद है खुशबू रखने वाला एक इंसान ऐसा होता है कि अगर आप उसके पास बैठेंगे तो या तो आपको तोहफतन वो तोहफतन वो आपको खुशबू देगा या इसी तरीक़े से आप उससे ख़रीदेंगे या इसी तरीक़े से आप उसके पास बैठने की वजह से खुशबू पाएंगे इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया व इम्मा अन युहरिक बका व इमान तजिद मनहूरी हन ख़बी और आग की भट्टी धूकने वाले की मिसाल ऐसी है कि अगर आप उसके पास बैठेंगे तो या तो आपको कपड़े जला देगा या तो उसके पास रहने की वजह से बुरी बदबू आपको मिलेगी उसके पास अच्छी चीज़ आपको हासिल होने वाली नहीं है तो इस तरीके से अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने इस हकीक़त को इसी तरीक़े से इसलिए बयान फरमाया क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में दोस्तों का अहम किरदार होता है उसकी ज़िंदगी बनाने और बिगाड़ने में इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही सुनन तिरमिदी की रिवायत के अंदर इरशाद फरमाया कि अलमर दीन खलील ही फल मई कि इंसान और आदमी अपने दोस्त के तौर तरीक़ों पर होता है एक दोस्त जैसा होता है उसी तरीके से उसका हमनशीन भी होता है उसके साथ रहने वाला भी होता है उसका दोस्त और साथी भी होता है दोस्त जैसा काम करता है दोस्त जैसा तौर तरीक़ा इख्तियार करता है उसका साथी भी उसी तरीक़े से उसकी फॉलो करने की कोशिश करता है उसको कॉपी करने की कोशिश करता है और अगर ये चीज़ नहीं पाई जाती है तो दोस्ती दोस्ती नहीं होती है क्योंकि अगर एक दोस्त की मुआफ़त करने वाला उसका दोस्त उसी जैसा ना हो तो ऐसा इंसान ऐसे दोस्त को पसंद नहीं करता है तो इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशात फरमाया कि एक दोस्त अपने दोस्त के तौर तरीक़ों पर होता है इसीलिए इंसान को चाहिए कि दोस्ती वो किससे कर रहा है वो किसकी हमनशीनी इख्तियार कर रहा है इसके बारे में इंसान को गौर करना चाहिए इसके बारे में इंसान को यानी यानि यानी एहसास मंद होना चाहिए कि आखिर हमारा जो नहज है हमारा जो तरीक़ा है हमारी जो हमनशीनी है हमारे जो दोस्ताना मरासिम हैं जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं वो किसके साथ हैं इसके ताल्लुक से हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेशात फरमाया कि हम अच्छे दोस्त का इंतखाब करें चाहे वो हमारे बच्चे हों चाहे वो हमारी बीवियां हों चाहे वो हमारी माएँ बहनें हों चाहे माशरा हो कोई भी हो उसे इस बारे में गौर फिक्र करना चाहिए कि आया वो किसके साथ सोहबत और किसके साथ हम नशीनी इख्तियार कर रहा है बिरादरानी इस्लाम दोस्ती का मीर क्या होना चाहिए आज हम देखते हैं कि हमारे दोस्त अजीब व गरीब किस्म के होते हैं हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है लोगों को इकट्ठा करने का लोगों को दीन सिखाने का लोगों को अच्छे रास्ते पर रहनुमाई करने का लेकिन बिरादरानी इस्लाम हमारा नौजवान इस सोशल मीडिया के जरिए से बहुत ही बुरे रास्ते की तरफ अपने आप को ले जा रहा है जिसके बारे में हमें एहसास नहीं है हम खुद अपने गरीबान में झांक करके देखें कि आया सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम कैसा कर रहे हैं उसके बाद हमें एहसास होगा हमें इस ताल्लुक़ से मालूम फराहम होंगी कि आखिर हम किस नहज और किस तरीके पर जा रहे हैं और ऐसे सूरत हाल के अंदर हमें चाहिए कि हम बेहतर रास्ता इस जानब इख्तियार करने की कोशिश करें क्योंकि बिरादरानी इस्लाम जो नियमतें अल्लाह तबारक़ा हमें देता है उसके दो पहलू होते हैं अच्छी और बुरी अगर हम उसको बेहतर तरीक़े से इस्तेमाल करते हैं तो उसका समरा हमें बेहतर मिलने वाला है लेकिन अगर हम उसी को ग़लत तरीक़े से इस्तेमाल करेंगे तो उसका असर हमारी ज़िंदगी पर हमारी दुनियावी और उखरवी और जिसमानी हर एतबार से उसका असर बहुत ही बुरा और भयानक पड़ने वाला है इस वजह से हमें ज़्यादा यानि तोज् देने की ज़रूरत है बसा अकात हम देखते हैं सोशल मीडिया पर हमारे ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो अपने स्टेटस पर बहुत ही गलत गलत चीज़ें लगाते हैं लेकिन हम ऐसा नज़रिया इख्तियार करने वाले लोगों को कुछ कह नहीं पाते हैं खामोशी अख्तियार करते हैं लेकिन बरदरानी सराम ये बहुत ही बेहतर तरीका है बहुत बेहतरीन बहुत प्लेटफार्म है शोशल मीडिया कि जिसके ज़रिए से हम उसी शख्स को नहीं बल्कि हज़ारों करोड़ों लाखों लोगों को हम राह रास्त पर ला सकते हैं हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक कि अगर तुम में से कोई शख्स बुराई को देखता है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करे उसे मना करने की कोशिश करे अगर उसके अंदर हाथ से मिटाने की ताकत है तो हाथ से मिटाए ज़ुबान से अगर उसे ताकत है मिटाने की तो ज़ुबान से उस बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करे और अगर ये सारी चीज़ें नहीं पाता है तो दिल के अंदर इंसान उस बुराई को बुरा समझ सकता है लेकिन वसा अवकात हम बुरा भी नहीं समझते हैं और ऐसे हालात के अंदर हम खामोशी अख्तियार करते हैं तो कहने का मकसद ये है कि ज़ुबान से हम चाहें तो उस बुराई का खात्मा उस गलत स्टेटस को हम बेहतर स्टेटस के अंदर और बेहतर तरीक़े के अंदर उसको चेंज कर सकते हैं बदल सकते हैं उसका तरीक़ा ये है कि हम जुबान से एक रिकॉर्डिंग करें ज़ुबान से एक वीडियो बनाएं और उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर डाल दें और उसके बाद उसको देखने वाले जिस तरीके से आपको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं आपकी पैरवी और आपकी तावेदारी कर रहे हैं तो इस तरीके से लाखों लोगों में से कम से कम दस लोग ही अगर उससे राहयाब हो जाएंगे तो ये जान लीजिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा और अगर हम खामोशी इख्तियार करते हैं तो उसका असर बहुत बुरा होने वाला है तो इसी तरीके से अगर आप हाथ से उसे मिटाने की ताकत रखते हैं तो हाथ से भी मिटाएं आप तहरीरी शक्ल के अंदर आप एक पोस्ट बनाएं खूबसूरत पोस्ट बनाएं और उसे सोशल मीडिया पर डाल दें या खसूसियत के साथ उस शख्स की जानिब डाल दें जो आपके यानी फेसबुक फ्रेंड में है या इसी तरीके से व्हाट्सएप या दूसरे जो सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स होते हैं उस ग्रुप के अंदर उस मैसेज को और उस वाले पेपर को उस पोस्ट को आप डालेंगे तो पढ़ करके इंसान मुमकिन है कि राहयाब हो जाएंगे क्योंकि जो चीज आप डालेंगे वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी और कुरान और सुन्नत के ज़रिए से डाला गया जो पैगाम होता है उस पर मबनी जो पैगाम होता है उसे सुना जाता है उसे पढ़ा जाता है उसे लाइक और शेयर भी किया जाता है और लोग उसे अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर जामा पहनाने की कोशिश भी करते हैं तो इस तरीके से ये सोशल मीडिया का मामला है तो वहाँ भी हमें देखना है कि हमारे दोस्त कैसे होते हैं ये अमली ज़िंदगी के अंदर माशरती जिंदगी के अंदर हम देखते हैं कि एक दोस्त हमारे साथ किस तरीके से पेश आता है उसको हम अच्छा और बुरा समझ सकते हैं लेकिन जब फेसबुक के ज़रिए से हमारा कोई यानी साथी होता है कोई फ्रेंड होता है कोई दोस्त होता है तो उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानकारी हासिल कर सकते हैं लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर उसके पोस्ट उसके ख़्यालत और इसी तरीके से उसके नज़रियात बेहतर हैं तो सोशल मीडिया के ज़रिए से उसके ख़्याल उसके तस्वुरा उसके स्टेटस के ज़रिए से हमें मालूम हो जाएगा और ऐसे हालात के अंदर हमें उसका इस्ताल करना है या उसे नकारना है या उसे मुस्तरद कर देना है ये हमारी ज़िंदगी के ऊपर निर्भर करता है ये हमारी ज़िंदगी के ऊपर आती है कि हम किस तरीके से उसको कबूल करें या उसका इनकार करें तो बिरादरानी इस्लाम हम बुरे दोस्तों को अपना दोस्त बना करके अपने कुरान और हदीस और सन्त रसूल के जरिए से उन्हें राह याब कर सकते हैं उन्हें सिरात मुस्तकीम पर गामजन कर सकते हैं ये बहुत ही बेहतरीन जरिया और बहुत ही बेहतरीन सबब है बिरादरानी इस्लाम दोस्ती का मैार क्या होना चाहिए दोस्ती हमें किन से करना चाहिए इस ताल्लुक से कुरान और सन्नत रसूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें बयान की गई हैं सबसे पहली चीज़ ईमान है तकवा है परहेजगारी है अखलाक़ हसना है बेहतरीन कौल बेहतरीन किरदार है कि जिसको इख्तियार करना ये दोस्ती का मैार है दोस्ती का पैमाना है और दोस्ती इख्तियार करने का जरिया और सबब है जिसके बारे में अल्लाह तबारक ताली ने कुर करीम के अंदर रहनुमाई करते हुए शाद फरमाता है यादी अमन वकून मद क्या ये वो लोगों जो ईमान लाए हो क्नुमा सदकिन सच्चे लोगों के साथ रहो और इसी तरीके से उससे पहले जो अल्लाह तबारक तआला ने फरमान जारी किया वो क्या कहा आ मनत वकून उमा सदकिन कि सबसे पहले अपने दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करना है अल्लाह रब्बुल आलमीन की खशियत और उसका डर अपने जहन के अंदर अपने दिल के अंदर पैदा करना है और उसके बाद नेक लोगों के साथ सच्चे लोगों के साथ हमें रहना है नेक लोगों की हम नशीनी अख्तियार करनी है सच्चे लोगों की मुआफ़त करनी है सच्चे लोगों से दोस्ताना मरासिम रखने हैं क्योंकि सच्चाई ये इंसान को जन्नत की तरफ ले जाती है सच्चाई इंसान को नेकियों की तरफ ले जाती है सही मुस्लिम और सही बुखारी की रिवायत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा फरमाया इन सदक़ा यहदी इलल बिर व इनल बिर यहदी इलल जन्ना व अन रजुला लया सुको हत्या बन सिद्दीका कि सच्चाई जो है वो नेकियों की तरफ ले जाती है और नेकियां इंसान को जन्नत की तरफ़ ले जाती हैं और एक इंसान सच्चाई को इख्तियार करता रहता है बराबर उसके ऊपर कारबंद रहता है यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सिद्दीक और सच्चा लिख दिया जाता है और बुराई फिसको फजूर इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाती है और इंसान हमेशा झूठ बोलते रहता है यानी बुरे लोगों की सोहबत इख्तियार करते रहता है यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक वो झूठा लिख दिया जाता है कज़ाब लिख दिया जाता है तो इसलिए सच्चे लोगों की सोहबत ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सूदमंद और कारगर साबित होगी क्यों क्योंकि सच्चाई इंसान को नेकियों की तरफ ले जाती है और नेकियां इंसान को जन्नत की तरफ ले जाती हैं और उसी तरीके से इंसान इस चीज़ पर अमल करते रहता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सिद्दीक़ यानी सच्चा लिख दिया जाता है और सिद्दीक़ और शहदा और साल का मक़ाम और मर्तबा बहुत ही बुलंद है बिरादरानी सलाम इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही सुनन तिरमिदी और इसी तरीके से सही सुनन अबू दाऊद की रिवायत के अंदर ये इरशाद फरमाया सिर्फ और सिर्फ मोमिन को दोस्त बनाओ वला या इल्ला तमाम और तुम्हारा खाना सिर्फ और सिर्फ परहेजगार लोग खाएं तो यहाँ तकबा और परहेजगारी इख्तियार करने वाले लोगों की सहबत और अहले ईमान की इख्तियार करने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म शादर फरमाया तो इसलिए हमें ये बात मालूम हुई कि तकवा इख्तियार करने वाले और अहले ईमान की दोस्ती हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सूदमंद और कारबंद होने वाली है इसलिए हमें ऐसे ही लोगों की हम नशीनी और ऐसे लोगों की हम जोली इख्तियार करनी चाहिए क्योंकि ऐसे लोग जब हमारा खाना खाएंगे ऐसे लोग जब हमारी सहबत और दोस्ती इख्तियार करेंगे या इसी तरीके से ऐसे लोगों की सोहबत हम इख्तियार करेंगे और ऐसे लोगों को अगर हम खाना खिलाएंगे परहेजगारों को तो हमारा खाना खिलाना अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बहुत ही बेहतर मेहमान नवाजी के अंदर शुमार किया जाएगा हज़रत अलकुमार रदी सही बुखारी की रिवायत है नसरत अहमद की भी रिवायत है कि जब कूफा से शाम के लिए रवाना हुए और जब शाम के अंदर वो पहुँचते हैं तो वहाँ पर मस्जिद के अंदर दो रकात नमाज अदा करते हैं और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के जनाब में दुआ गो होते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर मुझे शाम के अंदर बेहतरीन हमनशीन हमारे लिए पैदा फरमा हमें बेहतरीन दोस्त और साथी नसीब फरमा और उसके बाद हजरत अलमा रजील् बैठे रहते हैं यहाँ तक कि आपकी खिदमत में सहाबिया रसूल हज़रत अबूदरदार रजियन पहुँचते हैं तो गोया अल्लाह तबारक ताली ने उनकी दुआ को कबूल फ़रमाई और सहाविय रसूल हज़रत अबू दरदा रज़ी ला की सोहबत और उनकी रफाक़त उन्हें हासिल हुई तो कहने का मकसद ये है कि हमें नेक लोगों की सोहबत के ताल्लुक से अल्लाह रब्मी से दुआएं भी करनी चाहिए बसाओकात हमारी दोस्ती अनजाने में ऐसे लोगों से हो जाए तो अगर अल्लाह रब्लम सब इस तरह की दुआएँ करेंगे तो अल्लाह रब्लम मुमकिन है कि ऐसे अच्छे आदमी को आपका दोस्त बना दे कि जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए और आपकी जिंदगी के अंदर सुधार पैदा हो जाए इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेक लोगों की सोहबत एराज करने पर मतनबे करते हुए इरशाद फरमाया नेक लोगों की सोहबत ऐसे एराज करने पर अल्लाह तबारक ने कुरान करीम के अंदर अल्लाह के वसल्लम को मतनबे फरमाया और कहा कि आबस अंजाहुल आमा आबसवल्लामा वमा उदरी कलाज्ज का यद्ज़क्कर अम्मा मरस्तगना अम्मा आयशा अल्लाह रजील्न बयान करती हैं इस सूरा और इसी तरीके से इन इनायात की तफसर करते हुए बयान करती हैं सही सरा तिरमदी की रवायत है कहती हैं कि अल्लाह है के नबी सल्ला व्ल् सनादीद क्रैश के साथ बैठे हुए थे इसी दौरान एक नाबीना सहावी हज़रत अब्दुल्ल इबन उम मकतूम रज़ी आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि अय अल्लाह के नबी सल्लाम मुझे कुछ रश्दो हिदायत की बात बता दीजिए मुझे कुछ हिदायत कर दीजिए मुझे नेकी की तरफ रहनुमाई कर दीजिए अल्लाह के नबी सल्ला वसम के पास रोसए कुरैश बैठे हुए थे ैश के बड़े बड़े सरदार बैठे हुए थे इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे रूगर्दानी इख्तियार की उनसे एराज किया उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी तो अल्लाह तबारक तआला ने आपको डांटते हुए आपको यानी मुतनब करते हुए कहा कि आबसवल्ला अमा कि वह तुर शुरू हुआ और उसने एराज किया सिर्फ इस वजह से कि उनके पास एक नाबीना सहाबी आए एक नाबीना सहाबी आए वो नसीहत हासिल करते मुमकिन है कि नसीहत उन्हें फ़ायदा देती लेकिन आपने उनसे इराज किया अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक ताली इनायात के नाजिल करने के बाद मतनब किया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए आपको ऐसे लोगों इराज नहीं करना चाहिए जो लोग नेक हैं जो लोग परहेजगार हैं जो लोग तकवाख्तियार करने वाले हैं जो रुदो हदायत की बातें सुनना चाहते हैं उन पर अमल करने की कोशिश करते हैं ऐसे लोगों से एराज करना आपने अच्छा नहीं किया आपने बेहतर नहीं किया इस वजह से इस आयत करीमा से यह बात हमें मालूम होती है कि हमारे साथ भी ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं जो उठने बैठने वाले होते हैं हम उन्हें अपनी सहबत से दूर नहीं कर सकते हैं क्योंकि मुमकिन है कि उनके हमारे पास बैठने की वजह से उनको फायदा पहुंच जाए उनको ईमान की दौलत मिल जाए लेकिन अगर बसा औकात कोई नेक आता है कोई परहेजगार शख्स आता है तो हमें उससे भी एराज़ नहीं करना है नेक लोगों की से सेराज नहीं करना है उनसे रूगरदानी इख्तियार नहीं करनी है और अगर ऐसा करेंगे तो ये जान लीजिए हमारे साथ अच्छा नहीं हो सकता अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम को जिस तरीके से अल्लाह आलमीन ने डांट पिलाई आपको मतरबे किया इसी तरीके से हमें भी अपने आप को मतरबे और अपने आप को इस ताल्लुक से तैयार हो जाना चाहिए मतनबे और बाखबर हो जाना चाहिए कि आखिर हम क्या कर रहे हैं और कैसे लोगों के साथ कैसा तौर तरीक़ा कैसा व्यवहार कैसा सलूक इख्तियार कर रहे हैं बसावत हमारे साथ ऐसा होता है कि बड़े बड़े लोगों के साथ बैठे रहते हैं एक अदना जो खादिम होता है हमारा हमारा पेवन जो होता है जो हमारा ख़िदमत गुजार होता है वो ऐसे दौरान जब आ जाता है तो हम उसके साथ बहुत ही तुरशरुई के साथ बड़ी सख्ती के साथ नाला और नाराज़गी के साथ उसके साथ पेश आते हैं हालांकि वो आपके हर तरह के मामलों को दुरुस्त करने की कोशिश करता है आपकी खैरखाही करता है लेकिन उसके बावजूद सिर्फ़ बड़े लोगों की सोहबत के असर की वजह से आप उससे इराज करते हैं उसके साथ गलत तरीके से पेश आते हैं तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए इसी तरीके से बिरादरानी इस्लाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदील्लान्हों ने बयान फरमाया उनका यहल है कि बुरे आदमी से तन्हाई बेहतर है बुरे आदमी से तन्हाई बेहतर है और तन्हाई से बेहतर है कि किसी नेक आदमी की सोहबत इख्तियार की जाए किसी नेक शख्स की सहबत और उसकी हमनशीनी इख्तियार की जाए हजरत हज़रतली रजील्लाहों का कौल है उनका खुद का बयान है कि अगर कोई बेहतरीन साथी के लायक ना हो यानी कोई लायक तरीन दोस्ती के लायक ना हो तो ऐसे इंसान से तन्हाई बेहतर है और इसी तरीके से हज़रतलकम ऱील्लाह मुसन्न अहमद की सही रिवायत है अपने मौत के अंदर जब गिरफ़्तार होते हैं तो अपने साहबजादे को नसीहत करते हुए कहते हैं कि तुम ऐसे शख्स की सोहबत इख्तियार करना कि अगर तुम खैर की तरफ हाथ फैलाना चाहो तो तुम्हारा ताउन करे तुम्हारी मदद करे किसी बेहतर काम की तरफ अगर आप जाना चाहते हो तो आपका हर तरीके से वो साथ दे नेकी की तरफ आप जाना चाहते हैं तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है तो अगर ऐसा इंसान जो आपका ताउन करे आपकी रहबरी और रहनुमाई करे ऐसे इंसान की दोस्ती इख्तियार करो और आपके अंदर अच्छाई देखे तो उसको बयान करे उसे जिक्र करे और अगर आपके अंदर बुराई देखे तो उसकी असलाह करने की कोशिश करे ऐसे लोगों की सहबत अख्तियार करो ऐसे लोगों की दोस्ती इख्तियार करना बिरादरानी इस्लाम इसी तरीके से शेख सादि रहम्ला का कौल है ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं इनके अकवाल और इनकी बातें बतौर नसीहत और इसी तरीक़े से लोगों के दरमियान मिसाल पेश करने के लिए यानी लोगों के सामने ज़िक्र की जाती हैं शेख सादी रहम्ला के ताल्लुक से ये बयान ज़िक्र किया जाता है कि उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे शख्स की दोस्ती पसंद नहीं जो मेरी बुराइयों को अच्छाई का नाम दे मेरे ूब को हुनर जाने मेरे कांटों को गुलाब और यास्मीन का नाम दे ऐसे लोगों की दोस्ती को मैं पसंद नहीं करता हूँ तो बरदरानी इस्लाम हमें दोस्ती किन से की जाए ये मुख्तर तमहीद जो थी दोस्ती के तल्लुक़ से मैंने आप लोगों के सामने पेश की अब हमारे सामने बात वाजे हो गई कि हमें दोस्ती किसकी इख्तियार करनी है दोस्ती हमें किसकी इख्तियार करनी है अहिल ईमान की दोस्ती इख्तियार करनी है तकवा परसगार की दोस्ती अख्तियार करनी है और इसी तरीके से जो लोग अखलाक मंद हैं अखलाक हसना से मुस्तफ़ीज़ होते हैं या उनकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरीन अखलाक पाए जाते हैं ऐसे लोगों से हमें दोस्ती अख्तियार करनी है क्योंकि उनके साथ रहने की वजह से हमारी दुनियावी ज़िंदगी पर उसका बेहतरीन असर पड़ने वाला है और आखिरत के अंदर भी हम इन उनकी ज़िंदगी से फ़ायदा हासिल करते हुए कामयाब होने वाले हैं इसी तरीके से बरदरानी इस्लाम अगर हम समाज और माशरे के अंदर रहते हैं तो हमारे साथ बुरे दोस्तों का भी वास्ता पड़ता है लेकिन उसके क्या नुकसान होते हैं उसके क्या खतरात होते हैं उसके क्या मुज़िर असर होते हैं समाज पर उसके बुरे नतज़ क्या मुरतब होते हैं इस ताल्लुक से भी हमें अपने जहन को मबज़ूल करना है अपनी तवज्जो को यानी ऐसी जानब भी मबजूल करना है कि जो बुरे साथी हैं उनके साथ रहने की वजह से हमारा क्या नुकसान होने वाला है ये बहुत ही भयानक है पुरानी करीम के बहुत सी आयतों के अंदर अल्लाह तबारक वाली ने अहिल ईमान को मतनब करते हुए कहा कि लखदिनकाफ़ी नाउलिया अमिनमिन कि मोमिनों को चाहिए कि अहले ईमान को छोड़ कर के मोमिनों को छोड़ कर के मुसलमानों को छोड़ कर के गैरों को काफिरों को अपना दोस्त ना बनाएं और इसी तरीके से भी बयान फरमाया कि यादीन आ मनू ला यहूद तदलूद वनसारा अलिया अबाज मऊलिया अबाज ईमान तुम यहूद व नसारा की दोस्ती इख्तियार ना करो क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के भाई होते हैं एक दूसरे के आपस में दोस्त होते हैं और वह लोग कितना भी आपके साथ बेहतरीन तरीके से पेश आए कितने ही अखलाक मंदी के साथ आपके साथ पेश आए लेकिन हकीकी मानों में उनका जो नज़रिया है उनकी जो सोच है जो उनकी फ़िक्र है वो कभी भी आपके ताल्लुक से खलूस की नहीं हो सकती क्योंकि अल्लाह तबारक ताल का पैगाम अल्लाह रब्बुल रबालमीन का फरमान कभी ग़लत नहीं हो सकता कि बाज अलिया वो तो आपस में हकीकी मनों में यानी खुलूस के साथ एक दूसरे के दोस्त होते हैं वो कभी भी आपके नहीं हो सकते ज़ाहरी तौर पर आपका ईमान छीनने के लिए आपसे दोस्ती इख्तियार कर सकते हैं आपकी सहबत इख्तियार कर सकते हैं आपके साथ बेहतर तरीके से पेश आ सकते हैं लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि मुख्तर तरीन दोस्ती उनकी तुम्हें पसंद आ सकती है लेकिन हकीकी मानों में वो आपस में एक दूसरे के दोस्त होते हैं वो तुम्हारे दोस्त कभी हो नहीं सकते क्योंकि कुरान करीम की सूरत तोबा के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया कि वल मुमिनून वल मोमिनात बाज़ु मौलिया उबास हकीकी मानों में मोमिन के जो दोस्त होते हैं वो अहले ईमान ही होते हैं उसके अलावा दोस्त उनके दूसरे नहीं हो सकते क्यों क्योंकि अहले ईमान की सर्टिफिकेट अल्लाह तबारक व तआला ने दे दी है कि उनका नज़रिया क्या होता है उनका ख्याल क्या होता है या अमरून बिल मारूफ़ वो भलाई का हमेशा हुक्म देते हैं ये अहले ईमान जो होते हैं जो मोमिन जो होते हैं वो हमेशा लोगों को भलाइयों की दावत देते हैं और मुनकरात से रोकने की कोशिश करते हैं और इसी तरीके से वो नमाज़ों का अहतमाम करते हैं सदका व खैरत करते हैं अल्लाह उसके रसूल की अतहत करते हैं उलाई के सैर हम हमल्ला और यही वो लोग हैं किब अल्लाह रबालमीन अपनी रहमत के सारे दरवाजे इनके लिए खोलने वाला है इन अला अजीज़ हकीम यकीन अल्लाह रबीन गालिब और हमत वाला है तो कहने का मकसद ये है कि मोमिन ही मोमिन का दोस्त हो सकता है उसके अलावा उसके कोई दूसरे दोस्त नहीं हो सकते हैं इसलिए कुफ़ार और यहूद नसारा जो होते हैं वो हकीकी मानों में हमें दीन से दूर करने के लिए याद इलाही से सेफ़िल करने के लिए दुनिया के अंदर हमारे साथ हम नशीनी इख्तियार करते हैं दोस्ती इख्तियार करते हैं लेकिन इस दोस्ती के पीछे उनका जो मतमेह नज़र होता है जो उनका मकसद होता है वो बहुत ही भयानक होता है इससे हमें आगाह होना चाहिए क्योंकि अल्लाह तबारक ने उनसे दोस्ती करने से मना फरमाया है इसलिए हमें ऐसे लोगों की दोस्ती नहीं इख्तियार करनी है ऐसे दोस्ती इक्तियार करने वाले लोगों के साथ जब हम दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारेंगे तो हमें दुनिया के अंदर तो एहसास नहीं होगा लेकिन आखिरत के अंदर जब हमें इस ताल्लुक से एहसास होगा दिन क़यामत जब हमें यानी उनकी दोस्ती की खबासत उनकी दोस्ती के मुजिर असर के बारे में मालूम होगा और अपनी निगाहों के सामने दिन क़यामत हम देख लेंगे कि उनके साथ दोस्ती करने की वजह से आज हमारे सामने क्या हश्र होने वाला है तो उस वक्त क्या कहेंगे कुरान करीम के अंदर सूर्य फुरकान के अंदर अल्लाह तबारक ने उनका नक्शा खींचते हुए क्या बयान फरमाया कि अला या रसूल सवीला वह लोग दिन कयामत अल्लाह रब्लम के हजूर अपने हाथों को अपने मुंह में चबाते हुए कहेंगे ऐसे जालिम लोग जो अल्लाह रब्लम की इमादत के साथ यानी दूसरों को शिरक करते थे ऐसे लोग दिन कयामत अल्लाह रब्लम के जनाब में कहेंगे कि हाय काश दुनिया के अंदर हमने रसूल की सोहबत इख्तियार कर ली होती दुनिया के अंदर हमने रसूल की बातों को मान लिया होता तो ऐसा हशर ना होता या लई ती तख मसूल सबीला या वीलता फलान खलीला और उस वक्त कफे अफसोस मलते हुए कहेंगे कि हाय काश दुनिया के अंदर हमने फला को दोस्त ना बनाया होता फला की सोबत ना इख्तियार की होती फला की हम ना इख्तियार की होती फला से दोस्ताना ना रखे होते तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता बिरादरानी इस्लाम उस वक्त उनका बहुत ही बुरा हाल होगा बहुत ही बुरा हश्र होगा यही नहीं बल्कि ऐसे लोगों से जो दीन से एराज करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद से गाफिल रहते हैं ऐसे लोगों के ताल्लुक से अल्लाह तबारक ने सूर जुखरफ के अंदर फरमाया कि, कि जो लोग रहमान की याद से गफलत इख्तियार करते हैं नुकईज लहू शैतान फहूल हम ऐसे इंसान के साथ एक ऐसे शैतान को लगा देते हैं जो उसका साथी हो जाता है और इसी तरीके से एक दूसरी आयत के अंदर दूसरी सूर्य के अंदर अल्लाह तबारक उसके दोस्ती के ग़लत असरात जो मुरतब होने वाले हैं उस ताल्लुक से बयान करते हुए अल्लाह तबारक ताली ने इशात फरमाया कि व मैं कन शैतान करीना फ़सा करीना और जिस इंसान का दोस्त शैतान हो ऐसे इंसान का बुरा होना यानी उसी इंसान के लिए काफ़ी है कि उसका साथी शैतान है कितना बुरा साथी है कितना भयानक साथी है कि शैतान को अल्लाह तबारक ताली ने उसकी दोस्ती के लायक बना दिया है और उसकी दोस्त ऐसे शख्स को बना दिया है जो शैतान है जो अल्लाह रब्लम के दरबार से डांटा गया है जो अल्लाह रब्लम के जबीर न्याज से धुतकारा गया है ऐसे इंसान को अल्लाह रब्लम अगर हमारा दोस्त बना दे अगर हमारा हम बना दे तो जान लीजिए कि दुनिया भी हमारी गई और आखिरत के अंदर भी हम खसारा उठाने वाले लोगों के अंदर शुमार किए जाएंगे। बिरादरान इस्लाम बुरा जो साथी होता है वो हमारे एतकाद और हमारे अकीदे पर भी हमला आवर होता है और ऐसे तरीक़े से होता है कि जिस ताल्लुक से हमें एहसास भी नहीं होता है बिरादरानी इस्लाम यहाँ तक कि वो आपस में बात करते हुए वो लोगों से कहता है कि में से फ़ला शख्स ऐसा कहता है कि हम जब दुनिया से मर जाएंगे मिट जाएंगे हड्डी हो जाएंगे तो फिर हमारे साथ हमारे अच्छे और बुरे कामों का बदला दिया जाएगा क्या इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक़ से तुम तस्दीक करते हो तो इस तरीके से वो आपस में ऐसे दोस्तों के साथ रह करके यानी क़यामत का इनकार करेंगे और कहेंगे जब हम मर जाएंगे मिट जाएंगे तो क्या आईदा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन आइन्ना लमदीनून यानी क्या हम मर मिट जाएंगे तो हमारे साथ यानी बदले का मामला किया जाएगा तो इस ताल्लुक़ से वो बातें करते हैं इसी तरीके से सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है अबू तालिब की वफात का वाक़या आप जानते ही हैं कि जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने इस चचा यानि अबू तालिब के पास बैठे हुए थे और इसी तरीके से आप के साथ अबू जहल और इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन अबी उमैया ये दोनों मुनाफिकीन और इसी तरीके से कुफ़ार के बड़े सरगना थे जो बहुत ही बड़े सरगना थे लोगों को इस्लाम से मुतनफ़िर करने वाले थे नबी अलैहि वसल्लम से सख्त तरीन दुश्मनी निभाते थे अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम अबू तालिब की खिदमत में बैठे हुए हैं और कहते हैं कि अए चचा जान आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह लीजिए यह गवाही दे दीजिए यह एक ऐसा कलमा है इसको आप पढ़ लीजिए इसकी गवाही आप दे दीजिए दिन क़यामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इस कलमा के कहने की वजह से आपके लिए गवाही दूंगा लेकिन उस वक्त अबू जहल और इसी तरीके से उस वक्त कुफ़ार का सबसे बड़ा सरगना अब्दुल्ला बिन अबू उस वक्त बैठा हुआ था वो क्या कहता है कि अबू तालिब तुम मुत्तलिब के दिन से फिर जाओगे क्या तुम तो अब्दुल मुत्तलिब के दीन का इनकार करोगे इस तरीके से बार बार यानी अबू तालिब को चैलेंज करता रहा और इसी तरीके से उन्हें इस बात की तरफ यानी कन्विंस करता रहा उन्हें इस बात की तरफ यानी मुलफित करता रहा कि यह कभी भी ईमान ना लाएँ यह कभी भी इस्लाम कबूल ना करें यह कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी सहबत इख्तियार ना करें और उनके दीन को कबूल ना करें और आखिर ऐसा ही हुआ कि नबी सल्लल्लाहु सल्ला कला म शहादत या कलम तयबा उसे नहीं पढ़ा सके और अब्दुल अब्दुलब के दिन पर अबू तालिब की वफात हो गई और इस्लाम से दूर रह गए तो बरादरानी इस्लाम कहने का मकसद ये है कि बुरे जो साथी होते हैं हमारे एतकदात के अंदर शकूक और शुभ पैदा करके हमें दिन से भी दूर कर देते हैं इसी तरीके से बुरा साथी जो होता है वो अपने जैसी हरामकारी बुराइयों के अंदर मुबला करने की हमें भी कोशिश करता है अगर बुरा साथी है आप उसके साथ रहेंगे तो अगर उसके साथ रह करके उस जैसा अमल नहीं करेंगे तो आपको अपनी सोहबत से दूर कर देगा तो आप जाहिर सी बात है उसकी सहबत से बहुत ही ज़्यादा मुताफिर हैं दुनियावी मामला को लेकर के जिसकी वजह से आप उसकी हमनशीनी इख्तियार कर रहे हैं और उसकी हमनशीनी इख्तियार करते हुए वो आपको मासी और मुनकरात की तरफ दावत देता है और आप उसकी उनकी दावत को कबूल करने से गुरेज नहीं करते हैं तो कहने का मकसद ये है कि बुरा जो साथी होता है अपनी जैसी हराम कारियों के अंदर बुराइयों के अंदर माशियात के अंदर आपको मशगूल कर देता है आपको मसरूफ कर देता है और धीरे धीरे आपका ईमान भी छीन लेता है इस तरीके से कुरान करीम के अंदर बहुत सारी आयतें हैं अल्लाह तबारक ने फरमाया कि वकफरू नमा कफर तुम फतू नवा जो लोग काफिर हैं या जो लोग लो अल्लाह रबीन का इनकार करने वाले हैं वह लोग चाहते हैं कि जैसा वो कुफ्र करते हैं जैसा वो बुरे काम करते हैं वैसा तुम भी बुरा काम करो ताकि तुम दोनों बराबर हो जाओ और इस तरीके से उनका मशगला होता है और उनकी चाहत होती है उनकी रगबत होती है इस जानब तोज्जो मफजूल करने की और आपको धीरे धीरे अपने मुतालबे के अंदर अपने मकसद के अंदर ले जा कर के वो कामयाब हो जाते हैं और आप भी बुरे और मासीत के कामों में मुबला हो जाते हैं इसी तरीके से बुरे लोगों की सहबत में रह कर के मुहरमात और मासी से हम खाली नहीं रह सकते हैं बसावकात कुछ मजलिसें ऐसी होती हैं जो अच्छे लोगों की होती हैं लेकिन वहाँ पर रहने की वजह से वह लोग दूसरों की गीबत करते हैं दूसरों की चुगलखोरी करते हैं और दूसरों की इज्जतों के ऊपर डाका डालते हैं और हमको एहसास नहीं होता है हम भी मज़े लेकर के वहाँ खुश होते हैं और इसी तरीके से हम खामोशी से ऐसी मजलिस के अंदर बैठे रहते हैं लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हम भी गीबत के अंदर शामिल हैं हम भी बुराई के अंदर शामिल हैं हम भी झूठ और चुगली और लान तान के अंदर हम भी मशगूल हो रहे हैं हम जुबान से तो कुछ नहीं कर रहे हैं हम खामोशी अख्तियार किए हुए हैं लेकिन बिरदरानी इस्लाम ऐसी मजलिस के अंदर जबकि वहाँ पर बुरे लोग हैं और दूसरों की बुराइयाँ कर रहे हैं दूसरों की चुगलखोरी कर रहे हैं गीबत कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं तो वहाँ पर आपके रहने की वजह से आपका शुमार भी झूठों में होगा आपका शुमार भी चुगली करने वालों में होगा क्योंकि कुर करीम के अंदर अल्लाह तबारक ताली ने इस तल्ल से एक आयत करीमा का नज़ूल फ़रमाया वजल कम फिल किताब अन तुम आयात ही युक फ़र उहा वयिहा फ़ला तक उदो मदरी किल्ला तबारक ताल अपने पास कुरान करीम के अंदर ये हुक्म नाजिल कर चुका है कि जब तुम किसी ऐसी मजलिस वालों के तरफ से गुजरो कि जहाँ पर कुरान करीम की आयतों का मजाक उड़ाया जा रहा हो इस तहजा किया जा रहा हो उसके साथ मस्करापन किया जा रहा हो क़र करीम की आयतों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हो, सुनत रसूल की मुखालफत की जा रही हो ऐसे जगहों से आपका गुजर हो या ऐसी मजलसों के अंदर रह करके इन तमाम बातों को सुनो अनिदा सम आयात लाही युग फर उहाँ करीम की आयतों का इनकार किया जाता हो वही इस बिहा फ़ला तक उर्दू तो ऐसे वक्त में उनके साथ ना बैठो ऐसे लोगों के साथ ऐसे हालात के अंदर उनके साथ ना बैठो फला तक उदोमा हत्या या खजूफ या हदीत न यहाँ तक कि वो दूसरे किसी मौजू के अंदर या दूसरे किसी बात के अंदर मशगूल ना हो जाएं, जब वो गीबत करें चोल खोरी करें झूठ बोलें और इसी तरीके से लोगों के साथ गलत तरीके से पेश आएँ तो आप ऐसी मजलिस से उठ जाइए वहाँ से आप चले जाइए आपके अंदर ताकत नहीं है बोलने की आपको सुधारने की ताकत नहीं है आपको इतना तो ताकत है कि दिल के अंदर बुरा जान सकते हैं तो इसलिए आप उस मजलिस से उठ जाइए वरना आपका शुमार भी इन नकुम इधम मितम वरना आपका शुमार भी ऐसे ही लोगों में होगा कि आप भी चुगली कर रहे हैं आप भीबत भी कर रहे हैं आप भी झूठ बोल रहे हैं तो इसलिए ऐसे लोगों की सोहबत हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली है इसी तरीक़े से बुरी सोहबत ज़्यादा दिनों तक देरपा नहीं होती है ज़्यादा दिनों तक टिकती नहीं है इसलिए हमें ऐसे लोगों से दोस्ती इख्तियार करनी चाहिए कि जिनके साथ दोस्ती हमारे लिए फ़ायदेमंद हो और ज़्यादा दिनों तक रहे अल्लाह के नबी सल्ला वसम ने और इसी तरीके से कुर करीम के अंदर अल्लाह तबारक ताल ने इशात फरमायाउमैमिल्टक़े कि दिन क़यामत अल्लाह रब्लम के जनाब में जो दोस्तियाँ तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर होंगी वो आखिरत के अंदर भी इंसान को फ़ायदा देने वाली हैं ये दोस्तियाँ जो तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर होगी वो आखिरत के अंदर भी वो दोस्ती कायम रहेगी लेकिन जो दोस्ती दुनियावी मफाद पर मुजमर होगी दुनियावी मफाद के ऊपर टिकी होगी वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी वो चंद ही दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएगी इसलिए हमें बुरे लोगों की या ऐसे लोगों की सोहबत नहीं इख्तियार करनी चाहिए कि जिससे हमारी दोस्ती चंद दिनों की रह जाए और उसके बाद फिर वो दोस्ती दुश्मनी के अंदर तब्दील हो जाए तो ये सारे नुकसान थे कि जिस की वजह से हम बुरे लोगों की सहबत अगर हम इख्तियार करेंगे तो हमें दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा और इसी तरीके से अच्छी सहबत के क्या असर होते हैं अच्छी सहबत के फायदे क्या होते हैं इसके बेशुमार फायदे हैं जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इसी तरीके से अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम के अंदर भी या इसी तरीके से हदीस ख़ुदी के अंदर भी अल्लाह तबारक तआला ने बयान फरमाया है सबसे पहला फ़ायदा नेक लोगों की सोहबत का है कि अगर आप नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करेंगे तो खुद भी नेक बन जाएंगे खुद भी नेक बन जाएंगे क्योंकि हम किसकी की हम नशीनी इख्तियार कर रहे हैं नेक लोगों की हम नशीनी अख्तियार कर रहे हैं अहद रिसालत के अंदर बहुत सारे लोगों ने कत्ल के डर से या इसी तरीके से दुनियावी मफाद की गरज से इस्लाम कबूल कर लिया और बाद में उनकी नीयतें खालस हो गई सहाब किराम की रफ़ाक़त की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की वजह से यानी उनकी सोहबत में रहने की वजह से उनकी नीयतें खालिस हो गई जिनके बारे में सीरत की किताबों में ये बात लिखी हुई है कि हसन इस्लाम हो कि बाद में वो अपने ईमान के अंदर अपने इस्लाम के अंदर मुखलस हो गए यानी नेक लोगों की सोहबत अख्तियार करने की वजह से यानी उनका इरादा नेकी का नहीं था अच्छी सोहबत अख्तियार करने का नहीं था कत्ल के डर से या दुनियावी मफाद को हासिल करने की गरज से वो नेक लोगों के साथ रहने की वजह से उनकी सोहबत और रफाक़त पाने की वजह से वो ख़ुद भी नेक हो गए बाद में उनकी नीयतें खालिश हो गई और अपने इस्लाम के अंदर मुखलस हो गए यानी हकीकी मायनों में वो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो गए तो ये फ़ायदा होता है इस ताल्लुक़ से आप पढ़ेंगे रिवायतें तो आपको मालूम हो गई सुमामा बिन ओसाल का वाक़ आप जानते ही हैं सफ़ीर रमान मुबारकपुरी रम् ने अपनी आरा जो तारीख़ की और सीरत की बहुत ही जामे किताब है हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर अव्वल इनाम याफ़्त किताब है मखतूम उसके अंदर लामा सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रमतल ने इस वाक़े को जिक्र फ़रमाया है सुमामा बिन ओसाल जो यमामा के गवर्नर हैं नबी अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए मुसलमा कदाब के हुक्म से भेस बदल करके के नबी अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए निकलते हैं साहब के राम रास्ते के अंदर मिल करके उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद ला करके मस्जिद नबीवी के खम्भे से बांध देते हैं अल्लाह के नबी सल्लाम तीन दिनों तक आते हैं और उनके साथ बेहतर तरीक़े से पेश आते हैं और उसके बाद फिर उनको छोड़ दिया जाता है तीन दिनों के बाद फिर वो करीब के किसी बाग के अंदर जाते हैं और गसल करने के बाद आते हैं और मस्जिद के अंदर सहबा के साथ में रह कर के इस्लाम कबूल कर लेते हैं क्यों क्योंकि उन्हें प्यारे नबी जनाब महम्मदरसोल्ला वसल्लम की सोहबत नसीब हुई सहाब कराम की रफाकत नसीब हुई उनका खुद का ये कहना है कि इस कायनात के अंदर सबसे बुरा चेहरा मेरे नज़दीक अगर कोई होता था वो आपका चेहरा होता था लेकिन आज आप मेरे नज़दीक पूरी कायनात के सबसे खूबसूरत इंसान हैं तो कहने का मकसद यह है कि यह अच्छी सोहबत का असर था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीन दिनों तक उन्होंने रिफाकत यानी नसीब की रिफाकत उन्हें हासिल हुई साहब कराम का सलूक उन्हें मिला जिसकी वजह से उन्हें इस्लाम कबूल करने के ऊपर कोई चीज़ रोक नहीं पाई और वह मशर्र इस्लाम हो गए तो नेक लोगों की सोहबत का ये फ़ायदा है इसी तरीके से नेक लोगों की सोहबत अगर इख्तियार करेंगे अगर आपकी नीयत भी नेक नहीं होगी तो नेक लोगों के साथ रहने की वजह से आपको बेशुमार फ़ायदे हासिल होने वाले हैं सही बुखारी सही मुस्लिम की लंबी रिवायत है इसी तरीके से मुसनत अहमद के अंदर भी इस रिवायत को ज़िक्र किया गया है रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा हरेर रदी है बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताल की जानब से जिक्रलाही में मशगूल बंदों को हासिल करने के लिए या बंदों को ढूंढने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ ऐसे फरिश्तों को लगा रखा है जो ज़िक्र इलाही में रहने वाले बंदों को तलाशते हैं और जब कहीं ऐसे लोग मिल जाते हैं जहां जिक्र की महफिलें कायम होती हैं जहां दुरुस्त का अहमाम होता है जहां कुरान और सुन्नत रसूल की बातें होती हैं ऐसी जगहों को जब वो लोग पा जाते हैं तो फौरन अपने साथियों से कहते हैं हलुम हाजत आओ ऐ मेरे साथियों तुम्हारा मकसूद यहाँ है यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे ज़िक्र के अंदर मशगूल हैं कुरान सुनने और सुनाने में मशगूल हैं दरस हदीस और दरस कुरान का अहतमाम है आइए यहाँ पर तुम्हारा मकसूद है और उसके बाद आसमान दुनिया से ले करके वो लोगों को अपने परों से ढाक लेते हैं और उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे गोया होता है कि आए फरिश्तों मेरे बंदे क्या कर रहे हैं तो फरिश्ते जवाब देते हैं कि तेरे बंदे यानी तेरी तहमीद बयान करने में तेरी बड़ाई और किबरियाई बयान करने में मसरूफ़ हैं और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों से पूछता है कि क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन बखूबी जानता है ये बंदों के मकाम और मर्तबे को वाजह करने के लिए अल्लाह तबारक तआला फरिश्तों से पूछता है कि मेरे बंदे क्या कर रहे हैं जब फरिश्ते जवाब देते हैं कि तेरे बंदे तेरी तहमीद के अंदर तेरी बड़ाई के अंदर तेरी बुजुर्गी बयान करने के अंदर मशगूल हैं तो उसके बाद अल्लाह तबारक वाली कहता है कि क्या उन लोगों ने मुझे देखा है तो फरिश्ते जवाब देते हैं कि नहीं अगर वो देख लेते तो तेरी इबादत के अंदर तेरी तहमीद के अंदर तेरी तोहेद बयान करने के अंदर उनका और इजाफा होता लेकिन उन्होंने आपको देखा नहीं है उसके बाद अल्लाह रब्बुल रब्मिन उनसे गोया होता है कि वो कौन सी चीज़ तलब करने के लिए मेरी तारीफ़ और तोसीफ़ के अंदर मुबला है तो उसके बाद फरिश्ते जवाब देते हैं कि वो तेरी जन्नत को चाहते हैं तेरी जन्नत का मुतारबा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर गोया होता है कि आए फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने जन्नत को देखा है तो फरिश्ते जवाब देते हैं कि नहीं उन लोगों ने जन्नत को तो देखा नहीं है लेकिन अगर जन्नत को देख लेते तो उसको हासिल करने के लिए और मजीद कोशिश करते तो उसके बाद अल्लाह तबारक को तआला पूछता है कि मेरे बंदे किस चीज़ से पनाह तलब करते हैं फरिश्ते जवाब देते हैं कि वो जहन्नम से पनाह तलब करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि क्या उन लोगों ने जहन्नम को देखा है तो फरिश्ते जवाब देते हैं कि नहीं उन लोगों ने जहन्नम को तो देखा नहीं है लेकिन अगर वो देख लें तो उससे दूरी इख्तियार करने के लिए मज़ीद तेरी इबादत करेंगे और तुझसे पनाह तलब करेंगे कि उससे दूरी इख्तियार कर लें उसके बाद अल्लाह तबारक तआला कहता है तुम लोग गवाह रहना मैंने सारे के सारे अपने इन बंदों को बख्श दिया उसके बाद एक फरिश्ता उसमें से गोया होता है कि लई मिन हम इन नमाजा अलिहातिन कि उनमें से फला इंसान ऐसा नहीं है बल्कि वो किसी काम से जा रहा था अचानक आकर के उसके अंदर बैठ गया वो उसका इरादा उसके अंदर था नहीं तो उसके बाद अल्लाह तबारक कहता है हमल्क़ोमला यशाह जलीस हम ये ऐसे लोग हैं कि हम नशीनी इनको इस बात से दूर नहीं कर सकती है यानी ऐसे लोगों की हम इख्तियार कर रहे हैं ऐसे लोगों की सोहबत में बैठे हुए हैं कि इनकी सोहबत में रहने वाला इंसान दूर नहीं किया जा सकता मगफरत से दूर नहीं किया जा सकता ऐसे तमाम लोगों की मैंने बख्शिश कर दी इसलिए तुम लोग गवाह रहना तो कहने का मकसद ये है कि अगर हमारा मकसद नेक लोगों के साथ बैठने का नेक नहीं है फिर भी उन लोगों की सोहबत हमारे लिए फ़ायदे से खाली नहीं है इसी तरीके से नेक लोगों की सोहबत का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर हम नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत हमें हासिल होने वाली है अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साय तले हमें जगह मिलने वाली है सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत के अंदर जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब दो दोस्त सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनूदी के खातिर एक दूसरे से मिलते हैं एक दूसरे से जुदा होते हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साय तले जगह देता है और ऐसे लोगों के ताल्लुक से सही सुलमदी की रिवायत के अंदर हज़रत यानी अबू हुरैरा हर रदील्हो रावी हदीस बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दिन क़यामत फ़रमाएगा कि आई नल मुतहबो नबी जलाली अली यौम उजिल्लुम फी जिल्ली यौम ला जिल्ल इल्ला जिल्ले कि मेरी अजमत व जलाल की खातिर एक दूसरे के साथ यानी हमनशीनी इख्तियार करने वाले कहाँ हैं एक दूसरे की सोहबत अख्तियार करने वाले कहाँ हैं आज मैं उन्हें अपने साए के तले जगह दूंगा जिस दिन कि मेरे साए के अलावा कोई साया नहीं होगा इसी तरीके से जब इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करता है और उनकी मोहब्बत का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करना होता है तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत वाजिब हो जाती है ज़रूरी हो जाती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशात फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर एक दूसरे से मिलने जाते हैं एक दूसरे के ऊपर खर्च करते हैं एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं एक दूसरे की हमनशीनी इख्तियार करते हैं ऐसे लोगों के लिए मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं यही दुआ करता हूँ कि बार हम तमाम लोगों को नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करने और बुरे लोगों की सोहबत से बचने की तौफीक नसीब फरमाए आमीन अकूरल फस्तक फिर वरकुमस तफुरबी